हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू, और आशा करता हूँ आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाइड्रोजन गैस ब्लेंडिंग, ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि NTPC ने अपना ग्लोबल एक्सप्रेशन शो किया है हाइड्रोजन गैस और नेचुरल गैस की ब्लेंडिंग में। तो शुरू करते हैं टॉपिक बिना किसी देरी के। न्यूज़ इस तरह से थी कि NTPC हैज़ इन्वाइटेड ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू सेटअप अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस इन द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जो नेचुरल गैस जाती थी, अब NTPC ने डिसाइड किया है कि वह नेचुरल गैस को हाइड्रोजन के साथ ब्लेंड करेंगे और नेचुरल गैस पाइप नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। NTPC की दो विंग हैं, NTPC REL और NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। अभी NTPC REL ने क्या किया है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लगाने जा रही है लेह में। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन का मतलब है कि जो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा एक ग्रीन रिन्यूएबल तरीके से, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा इसके बाद। और दूसरी जो NTPC की विंग है, NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ये प्रोक्योर करेगी फ्यूल सेल बसेस को। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी कि NTPC 1.25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप करने जा रही है लेह में, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस करने में। और देखा जाए तो NTPC एक इंडिया की एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर जनरेटिंग कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे की जाती है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस का मतलब है कि हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रीन रिन्यूएबल तरीके से, यानी कि हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में। यानी आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की जाएगी तो सोलर एनर्जी से, या हाइड्रो एनर्जी से, या फिर विंड एनर्जी के थ्रू। इसके अंदर कोई भी फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं होगा, ना ही इससे कोई एमिशन होगा जिससे हमारा CO2 की मात्रा बढ़े एटमोसफियर में। इसीलिए ही हम इसको, वैसे देखा जाए तो हमारा मेन पर्पस यही है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का, ताकि फ्यूल हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर लें और इससे हमारा कार्बन का उत्सर्जन कम हो। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस तरीके से भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं, और फिर हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर बाद में ब्लेंड कर सकते हैं नेचुरल गैस के साथ, और इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एज अ फ्यूल की तरह। ठीक है ना, अभी हाइड्रोजन गैस का जो, अभी हाइड्रोजन गैस की जो ब्लेंडिंग हो रही है नेचुरल गैस के साथ, इसमें कुछ कंट्रीज़ को रैंक्ड किया गया है। इसमें सबसे ऊपर है जर्मनी, जर्मनी के बाद आता है फ्रांस, फिर UK। फ्रांस और UK लगभग सेम ही ब्लेंडिंग करते हैं सेम अमाउंट में। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। इसमें देखा जाए तो इंडिया का इसमें कहीं नाम नहीं, इंडिया बहुत पीछे है अभी इस प्रोडक्शन में। और ये पहला प्रोजेक्ट है जो हाइड्रोजन गैस ब्लेंडिंग करेगा नेचुरल गैस के साथ, और इसका सिर्फ एक पर्पस है कि हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको डीकार्बोनाइज करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम करना। अभी कुछ दिन पहले 2015 में जो COP 21 हुआ था पेरिस एग्रीमेंट के तहत, ये डिसीजन लिया गया था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन को कम करेंगे, जिससे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इस सेंचुरी के लास्ट तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ सके। तो उसी के तहत ये सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं कि हम अब अपने आप को शिफ्ट करें फॉसिल फ्यूल से उन फॉसिल फ्यूल की तरफ, जिससे एमिशन कम हो और ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज ना करें। ठीक है ना, ये जो प्रोग्राम है इसमें एक सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसमें आपका हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा, बाद में उसको ब्लेंड किया जाएगा आपका नेचुरल गैस के साथ। इनिशियली हमारा टारगेट होगा 1% ब्लेंड करने का, फिर स्लोली हम इसकी क्वांटिटी हाइड्रोजन की बढ़ाएंगे, मतलब लगभग 20% तक इसकी क्वांटिटी को पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद इसके बहुत फ़ायदे होंगे। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होगा, दूसरा जो उसकी कॉस्ट है, जो नेचुरल गैस की जो आपकी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, और आपका देखा जाए तो जो डिफरेंट जो फॉसिल फ्यूल से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जैसे कि आपका एसिड रेन और दूसरा और भी तरह की जो प्रॉब्लम आती हैं, जैसे उसके कारण जो अस्थमेटिक डिजीज़ होती हैं उनमें कुछ रिडक्शन देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ और भी इसके फ़ायदे हैं। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू।